मंगलवार दिनांक 1 नवंबर को सूरतगढ़ नगर पालिका में सड़कों एवं सरकारी भूमि पर दिन रात से हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ उमेश कुमार मुदगल एवं नरेंद्र कुमार द्वारा राजकीय उच्च न्यायालय में दाखिल PIL में अभिवक्ता सूर्यदीप बिश्नोई द्वारा पेशी हुई। बहस में प्रार्थीगण अभिवक्ता सूर्यदीप बिश्नोई द्वारा सूरतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों एवं सरकारी भूमियों पर दिन रात हो रहे अवैध कब्जों के बारे में अवगत कराया एवं नगर पालिका द्वारा सूरतगढ़ मास्टर प्लान 1997 से 2023 के विपरीत कार्य प्रणाली को भी ध्यान में लाया गया। सारे तथ्य व बहान को सुनकर राज्य की उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार नगर पालिका सूरतगढ़ एवं अन्य प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। कशी कारण द्वारा इन तथ्यों को अवगत कराकर नोटिस निम्न प्रकार से प्रेषित करने की हिदायत दी है, जिसमें कहा गया है कि नगर पालिका सूरतगढ़ के पेराफेरी क्षेत्र में नगर पालिका में वार्ड संख्या 1 से 45 है। उक्त वार्डो में अनेक खसरे राजस्व रिकॉर्ड में राज जोहड़ पायतन ढाप तालाब गड्ढे सरकारी विभाग की भूमि दर्ज है। उक्त भूमि नगर पालिका के वार्ड में स्थिर होने की वजह से बेशकीमती है। उक्त भूमि पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है। उक्त बेशकीमती सरकारी भूमि पर भूमाफियों व स्थानीय निवासियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किए जा रहे हैं। अतिक्रमण करने के पश्चात भूखंडों को आगे मलबा बेचान भूखंड की भाव में लिखकर भूखंडों का बेचान किया जा रहा है। चूंकि उक्त भूमि सरकारी है, अतः उनका बेचान व अतिक्रमण प्रारंभ से ही अवैध शून्य है। अवैध बेचान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। काशी कारण सरकारी भूमि में अतिक्रमण मुक्त करवाने हेतु पूर्व में अनेकों निवेदन किए जा चुके हैं। वह जयपुर से स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर हटाने के निर्देश विभाग द्वारा जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने हेतु व नए अतिक्रमण रोकने हेतु समुचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। राजस्व विभाग का नक्शा कस्बा सूरतगढ़ के नक्शे से सही नहीं दर्शाया है। इसका फायदा भूमाफिया आदि उठाते हैं। नक्शा खसरा में होने के कारण जमीन कहीं पर स्थित है और कब्जा कहीं और कर लेते हैं, जिसके कारण नगर पालिका से भू परिवर्तन गलत तरीके से करवाकर कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहे हैं और पट्टे बना रहे हैं। जब तक नक्शा सही नहीं हो जाए तब तक भू परिवर्तन व पट्टे नहीं जारी किए जाएं। नगर पालिका में पट्टे जारी किए जा रहे हैं। नगर पालिका सड़क की भूमि को छोड़कर बनाती है, लेकिन मौके पर पट्टा मालिकों का अवैध अतिक्रमण सड़क भूमि पर है। जब तक सड़क की भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटता है तब तक आवेदनकर्ताओं के पट्टों को जारी नहीं किया जाए। धर्मशाला मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च स्कूल आदि में व्यावसायिक दुकानें काट रखी हैं। इन धार्मिक संस्थाओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जलदाय विभाग विद्युत विभाग द्वारा कब्जाधारियों को सहयोग देकर विद्युत पानी का कनेक्शन देकर अवैध रूप से सहयोग कर रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग अपनी सड़क भूमि की सुरक्षा नहीं कर रही है। शहर की मुख्य सड़क 100 फुट की होने के बावजूद भी आए दिन सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसका मुख्य कारण सड़क पर अवैध अतिक्रमण है। मुख्य सड़क पर अतिक्रमण होने के बावजूद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और अवैध निर्माण कार्य को पूर्णतः सहयोग दिया जा रहा है। सड़क की भूमि पर से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा जारी किए जा रहे पट्टों का रजिस्ट्रेशन उप पंजीयन कार्यालय सूरतगढ़ द्वारा किया जा रहा है, जबकि उक्त पट्टे तथ्यों को छुपाकर बनाए जा रहे हैं। उनके रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व उक्त प्लाट भूखंड का मौका देखा जाए। जोड़ पायतन ढाप तालाब आदि की भूमि पर बन रहे मकानों को पट्टों की जाँच कर बेनामों पर रोक लगाई जाए। शहर में बसी जोड़ पायतन की भूमि पर बसी कॉलोनियों को अब्दुल रहमान बनाकर सरकार के फैसले के अनुसार जोड़ पायतन की भूमि से अतिक्रमण मकानों को हटाया जाए। सूरतगढ़ नगरीय क्षेत्र में मास्टर प्लान सन 1997 से 2023 राजस्थान सुधार अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाया गया है। नगरपालिका मास्टर प्लान के अनुसार नगरपालिका कार्य नहीं कर रही है। नगरपालिका सरकारी गाइडलाइन के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। वह स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेशों की पालना सुचारू रूप से नहीं की जा रही है। मास्टर प्लान के अनुसार कार्य किया जाए। काशी कारण सूचना का अधिकार के जरिए सूचना मांगी गई थी, लेकिन नगरपालिका तहसील विभाग द्वारा पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपि मेरे काशी कारण को नहीं दी गई है। उपरोक्त वर्णित समस्याओं का निस्तारण कर मास्टर प्लान सन 1997 से 2023 राजस्थान सुधार अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए मुख्य सड़क फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया जाए और मास्टर प्लान की पालना की जाए। अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाए व समस्त सरकारी भूमि जैसे जोड़ पायतन गोचर ढाब तालाब इत्यादि अतिक्रमण से मुक्त कराई जाए, अन्यथा वाद मियाद गुजरने पर आपके विरुद्ध समक्ष न्यायालय में दीवानी अथवा फौजदारी कानूनी कार्रवाई हेतु मेरे काशी कारण स्वतंत्र होंगे। इसके तमाम हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी। नोटिस की एक प्रति मेरे कार्यालय में संभाल कर रख ली है, आप भी संभाल कर रखें ताकि वर वक्त न्यायालय में पेश कराया जा सके। उक्त विदित नोटिस को अति आवश्यक समझें।